इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सभी जानते हैं कि मुल्क की सियासी तस्वीर, सियासी पस मंजर कैसे तब्दील हो रहा है। वैसे मुसलमान ही इस मुल्क के तमाम मामलात, हादसात, वाकियात और देश के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, पर हकीकत यही है कि मुसलमान इस मुल्क में बेचारा और मजलूम है। वो अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। 2023 में आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने जा रही है, तो किसी तरह हिंदू राष्ट्र का ख्वाब अक्सरियत तबके को दिखाना और मुसलमानों को देश के लिए खतरा साबित करना था कि अक्सरियत आसानी से इस एजेंडे की तरफ माइल होता रहे और असल मसलों पर सवाल ही ना कर सके। बची कुछ कसर तो यूं कहिए कि आवाम के जहनों को मुंतशिर करने का काम मीडिया कर ही रही है और पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। एक तरह से आरएसएस ही इस देश को चला रही है। वैसे लोकशाही, लोकतंत्र, जमहूरियत सिर्फ नाम के लिए बची हुई है, ऐसा कई इल्मी दानिशों का कहना है। वरना देश का प्रधानमंत्री आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के शिलान्यास में कैसे बैठ सकता है। जाहिर है ऐसे वाकये से यह सवाल खड़ा होना भी जायज है कि क्या जमहूरियत खतरे में है कि तमाम भाजपा हो या किसी और पार्टी के नेताओं ने संविधान की कसम खाते वक्त यही कहा था कि इस देश की धर्म निरपेक्षता की हिफाजत करूंगा। खैर, शिद्दत पसंद हिंदुत्व का इतना असर हुआ है कि अब अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां भी मुसलमानों को कोई ओहदा देने से पहले सोचने पर मजबूर हो रही कि क्या पार्टी के किसी इजलास में मुस्लिम लीडर को माइक पर कुछ कहने के लिए मौका दिया जाए या नहीं। आज सेक्युलर कहने कहने वाली पार्टियां मुस्लिम वोटों के साथ किसी उम्मीदवार को जिताने की बात करते हैं, पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार को जिताने की बात नहीं करते। कहने का मतलब सभी सेक्युलर पार्टियों को मुसलमानों के वोट तो चलते हैं, पर मुस्लिम उम्मीदवार या लीडर दिगर पार्टी के लोग वोट नहीं करना चाहते। इसलिए लिंगायत, कुर्बर सभी को, अगर कर्नाटक की बात कहे तो इन सभी को मुस्लिम वोटों की जरूरत तो महसूस होती है, पर लिंगायत, कुर्बर, मराठी या कन्नड़ कभी उर्दू उम्मीदवार को जिताने की बात नहीं करते। मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर भाजपा ने जो चाल चली है, कामयाब भी जरूर हुई है और आज भी कामयाब नजर आ रही है। कुछ लोग इसे कबूल नहीं करते, पर यह सच्चाई है कि आज सियासत सिर्फ धर्म की बुनियाद पर ही लड़ी जाती है। दूसरा, पैसा भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर कोई मान नहीं रहा तो इसके पीछे ईडी, आईबी, सीबीआई को लगा देना ताकि वो मुस्लिम विरोधी कामों को अंजाम देने पर मजबूर हो जाए, ऐसा भी कहा जाता है। ये उतना ही सच है कि अगर मुसलमान अपनी सियासी पार्टी या अगर सियासी लीडर बनाकर अपना अलग वजूद बनाना चाहती है तो इससे भी ज्यादा नुकसान होने की इम्कानात कई सारे लोग कहते हैं। कुछ संघीय कारकुनान देहात में जाकर मुसलमानों से देश को कैसे नुकसान होने की बात बताकर जहनों को बज्जन करने की इत्तला हासिल तो हो रही है। जाहिर है किसी को कुछ मालूम नहीं और गलत तारीख को मोबाइल लैपटॉप के जरिए पेश किया जाए तो आप यकीन करें या ना करें, पर शक तो जरूर पैदा हो सकता है। लिहाजा देहातों में, शहरों के मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर अकलियतों के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है, पर क्या वाकई हिंदू राष्ट्र का कयाम अमल में आने से देश सुजलाम सुफलाम बनेगा, ये सोचना जरूरी होगा। क्या वाकई गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे की तहजीब जो इस देश के जड़ों में फैल चुकी है, इन जड़ों को कमजोर करके उखाड़ के फेंकने से देश तरक्की या विश्वगुरु होगा? ये तमाम इस देश के अक्सर ये तबके को सोचने की जरूरत होगी। ये देश किसी धर्म की बुनियाद पर बनेगा तो यकीनी तौर पर खसारे में चला जाएगा और इसकी कीमत अक्सर ये तबके को ही चुकानी पड़ेगी। अक्सर हिंदू तबका बड़े कारोबारी, ताजिर, कारपोरेट दुनिया में है, मुसलमान छोटी मोटी तिजारत कारोबार कर रहा है। आज अगर जमीन या लैंड डेवलपिंग के कारोबार में हो या दिगर कारोबार में, कुछ हद तक मुसलमान कामयाब जरूर होता नजर आ रहा है, पर इस कौम की यह सच्चाई है कि खिदमत पसीना बहाकर किसी तरह गुजर बसर कर लेता है। आज कुछ फिरका पर तंजीमें अक्सरियत हिंदुओं को यह झूठ बताकर उन्हें डराकर कि अगर मुसलमान को रोकना है तो हिंदू राष्ट्र का कयाम जरूरी है बताया जा रहा है। और यह बात है कि हुकूमतों के जेर मातहत और मरकजी या रियासती हुकूमतों के इशारे पर ही ये तमाम एजेंडे चलाए जा रहे हैं और इनकी कभी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। ये भी सच्चाई है कि इनकी तहकीक पूछताछ पुलिस की जानिब से नहीं की जाती। आज भी सोशल मीडिया पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या रागिनी तिवारी और भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं
जो सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज को खत्म करने के बाद खुलेआम करते रहते हैं, पर इनकी कभी गिरफ्तार होने के बाद हमने तो नहीं सुनी। रागिनी तिवारी तो मुल्लों कठमुल्लों के सिवा तो बात ही नहीं करती। खैर, तो घर घर जाकर ये बताया जाता है कि मुसलमानों से देश को कितना खतरा। अब ये कोई बताएगा कि कैसे खतरा है? क्या पुलिस, फौज, आईएएस, आईपीएस में बड़ी तादाद में मुसलमान है जो अफसरान को खतरा हो सके? बड़े कॉरपोरेट दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं जो मुकाबला कर सके? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं क्या? बड़े बड़े मॉल हैं? नहीं है। फिर सिर्फ 15% मुसलमानों से 80% को कैसे खतरा हो सकता है? ये बेचारे तो प्लम्बर, टीवी, फ्रिज रिपेयर, मोटरसाइकिल मैकेनिक, टायर पंचर, फूलों की छोटी दुकानें, किराना दुकान, जूते चप्पलों की तिजारत, जो भी वो मेहनत मशक्कत वाला काम करने वाली कौम के तौर पर मुसलमानों को देखा जाता है। ये हुनर का कारोबार करता है। और जब मुसलमानों से खतरा बताया जा रहा है, बताओ कोई पंचर की दुकान बड़ा कारोबारी खोलेगा? कोई दूसरा शख्स जो इस काम को करना चाहेगा, प्लम्बर मैकेनिक का कारोबार बड़े बड़े कारोबार छोड़कर कोई करेगा? ये और बात है कि जो भी मुसलमानों को खतरा बताता है, जब इसकी भी गाड़ी पंचर होती है तो उसी कौम के अफराद के पास जाता है। कहने का मतलब ये जंग आला हिंदू बनाम पिछड़ा हिंदू के दरमियान है। और मुसलमानों को सिर्फ पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसे दिखाकर इसका डर दिखाए और ये जंग जो है आला हिंदू जात और पिछड़ा हिंदू जात के दरमियान है। ये समझने की बात है। देश की अखंडता एकता को बरकरार रखने की जरूरत है। और जो आला जात का समाज जो चंद फीसद है, किस तरह अपना तसल्लुत 80% अक्सरियत पर कायम कर हुकूमत करना चाहता है और 20% का डर दिखाकर इख्तदार की कुर्सी हासिल करना चाहता है, इसे सभी देशभक्तों को समझने की जरूरत है। मुसलमान इस मुल्क का हमेशा वफादार रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन जिस दिशा में चंद मुट्ठी भर लोग गुमराह कर ले जा रहे हैं वहां सिर्फ बर्बादी है। और इस बात को मुसलमानों को समझने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये तबके का वो पिछड़ा दबा कुचला माशरा जिन्हें अकलियतों की गलत तस्वीर पेश कर इख्तदार पर हमेशा बैठना चाहते हैं, तमाम पार्टियों को खत्म करके हिंदू पार्टी बनाम मुस्लिम पार्टी किया जाने वाला है ताकि हमेशा इनकी कुर्सी धर्म के नाम पर बरकरार रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।